नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये कौन सा काम है जी? नगला लाला। नगला लाला जी। तो नगला लाला में अभी क्या हाल है? वैसे आलू तो सही लग रहे हैं यहाँ पे जी। हाँ, यहाँ पे आलू सही है। यहाँ पे चिप्सोना में ज्यादा हानि है, चिप्सोना पाले की वजह से। पाले की वजह से। तो ये कौन सी वैरायटी है जी? 3797। 3797 इसकी आल अभी तक बनी हुई है जी। तो कितने दिन का आलू है ये जी? सर ये 94 दिन का हो गया। 94 दिन का। तो आपने मतलब ये मतलब कैसे बचाई है पाली से? जी सर, इसमें ये गढ़ील जमीन है, इसमें नमी की वजह से पाले से आलू बचा। अच्छा, मोटी जमीन है गढ़ील। हाँ। जिसकी वजह से जी बचा हुआ है। वैसे दिख रहे हैं काफी बेड पत्थर से। तो लगभग क्षेत्रफल कैसा है आपके यहाँ? क्षेत्रफल बढ़िया, मीडियम है। मीडियम है। तो कितने स्प्रे हैं इसमें? जी सर, इसमें 5 स्प्रे लग गई। 5 लग गई जी। तो कौन कौन सी लगा दी है? जी सर, पहली में M45 थी। अच्छा, तुम्हारी उसमें फंगीसाइड वगैरह जो सब थी। और अच्छा, दूसरी में कन्वेटर। हाँ। तीसरी में बायो स्टेट का वो। तो ये बताओ ना, इस आपके खेत में चुर्री भी ना दिख रही जी? साइन लगी हुई है इसमें। साइन जी। तो साइन चुर्री रोक रही जी, है। गर्मी बनाती है। गर्मी बनाती है, वजह से वो रुका है। साइन और कन्वेटर दोनों मिक्स होके लगे। मिक्स होके लगे। और NPK 0050। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके गाँव में ऐसी खेतें ज्यादातर जी? केवल चिप्सोना में प्रॉब्लम है जी? चिप्सोना में ही पाले का असर ज्यादा है। अच्छा, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम ना? तो मुझे लग रहा है, देखो हमें जो खेत अच्छे दिख रहे हैं गांव में तो अच्छे दिखा रहे हैं, और जो बुरे हैं तो बुरे हैं। देखो आप जो आप ना, मुझे दिख रहा है काफी अच्छा है। क्यों जी भाई साहब, सही बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अभी हमने, चलो पहले एक पौधा दिखाइए हमें जी। पौधा दिखाओ क्या ऊपर से अच्छा है कि नीचे से भी है? इसे ही खींचो भाई। जड़ तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, जड़ एकदम सफेद है। ऊपर रखी आलू है, ये 94 दिन का है। देखो मिट्टी बहुत टाइट है भाई यहाँ की, तभी ये बच चुका है पाली से। ये तो ऊसर जमीन सी है ना? जी जी। हाँ भैया, कितने आलू हैं ये? ये हैं सब 6-7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 और एक ये है भैया, 7वां ये आलू। तो ये बताओ, ये मतलब इसमें टूअर तो कम है जी? बीज की बात है, ये बीज पुराना हो गया है। बीज पुराना हो गया ना? ना वैसे ट्यूबर पिछले साल कितने थे आपके में जी? पिछले साल इसमें 9 किस्म 9-10 9-10 थे। 9-10 9-10 9-10। पैदावार कितनी आई पिछली बार? पिछली बार 45 की। 45 की। और इस बार कितनी मान रहे हो? इस बार मान रहे हैं 40 तो आना ही चाहिए। 40 यानी कम फिर भी है आपकी भी जी। तो बात तो मतलब पैदावार तो अब हर एक जगह ही कम है। हर जगह ही कम है जी। तो आपको कैसे पता हर जगह कम है? क्षेत्र वैसे भी पैदावार कम है मौसम की वजह से। अगर पिछाई आलू थे और उसमें जाड़े का असर है, तो आपका तो 94 दिन का सही हो गया जी। तो फिर भी पैदावार कम लग रही है आपको जी? और देख लो आप आगे। तो एक पौधा और दिखाइयो, ये दिखाओ हरी सी आल का, एकदम बढ़िया। आल तो बनी हुई है, देखो इसे ही दिखाओ। ये जड़ है इसकी। ये दो आलू हैं भैया, ये दो हैं, दो आलू हैं दो। ये बढ़िया है, ये रखो ऊपर, ये बढ़िया आलू है। तभी तो दो पौधा देखने से सही लगा। अरे यार, लौट फिर के बात वही है जी। मतलब यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आलू टोटल जी जी। इस वजह से ये बम्पर साइज मतलब इसका हो चुका है, ये 8 आलू होने की वजह से ना। ये अलग है, ये दूसरा पौधा, ये बहुत बड़ा एरिया खोद दिया इन्होंने। अब देखो यहाँ पे, सुनो दिखाइयो। एक तो देखो ये बीज है जो आप देख रहे हो, इसे पकड़ो, और एक ये है। ये दो पौधे में पकड़ो दोनों, ये दो पौधे में, दो पौधे हैं, दो पौधे में केवल 8-9 आलू हैं। तो यहाँ पे आपके ट्यूबर और कम है, समझ रहे हो? आलू तो जमीन है ना, ऊसर जमीन है यहाँ पे। मतलब आलू का साइज तो बहुत मोटा है, लेकिन फिर ट्यूबर कम है। तो फिलहाल बात तो वहीं आ रही है, ट्यूबर कम है तो फिर आलू फूल रहा है, ट्यूबर ज्यादा तो फिर गुल्ला से ऊपर आता। तो यही मैं देखता आ रहा हूँ, देखने में आलू ऐसे लग रहे हैं लेकिन ट्यूबर की संख्या कम है। कहीं ये मान सकते हैं कि फिर भी 4-5 पैकेट कम होने के चांस हैं जी? हाँ, आप मान रहे इस बात को? जी मान रहे। तो वैसे तो आलू वैसे ही लग रहा है, 40 से ऊपर जा सकता है भाई, ये बराबर हो सकती है। हाँ। पहली बराबर आपके जी। चलो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी आगे और देखते हैं आपके गाँव में जी, जी। बात करते हैं। ये देखिए, इनका आलू काफ़ी अच्छा है जो आप देख पा रहे हो, काफ़ी बढ़िया आलू है।